आज हमारी ये जो बैठक है ये जिला अध्यक्षों की और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और लोकसभा चुनाव के दौरान किसने कितना काम किया उसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कहाँ हमें संगठन और अधिक मजबूत करना है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही महिला कांग्रेस आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे महिलाओं से किए, बहनों से किए और उनके वोट हासिल किए, आज तक वो बातें पूरी नहीं की गई हैं। तो हम ये उनकी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आज भी बहनें महंगाई से परेशान हैं, आज भी महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसे नहीं मिल रहे, 2 लाख महिलाओं के नाम कट चुके हैं। ये जो झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला है उसे महिला कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असलियत जनता के सामने खुलेगी। अभी संगठन की कार्य ये बैठक मुख्यतः संगठन की मजबूती के लिए रखी।